नमस्कार, कांटल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। चलो रुक करते हैं प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर सिद्धपीठ धाम घोटारसी मोखमपुरा की ओर। यहाँ पर सिद्धपीठ धाम मोखमपुरा घोटारसी से बाल संत गुरुजी महाराज द्वारा एक भेंट श्री रोकड़े हनुमान जी में चढ़ाई गई है और इसके तहत यहाँ पर सभी श्रद्धालु इनके साथ रोकड़े हनुमान जी मंदिर पहुँचे हैं और यहाँ पर भक्तों के हुजूम के साथ रोकड़े हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए बजरंग बली भगवान को ये माला अर्पित की गई है और ये चांदी की माला बाल संत गुरु जी महाराज द्वारा यहाँ पर रोकड़े हनुमान जी मंदिर में अर्पित की गई है। यहाँ इस दौरान बालाजी मंदिर सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं और ग्रामीणों के हुजूम के साथ में यहाँ पर लोग रोकड़े हनुमान जी की जयकारे लगाते हुए पहुंचे थे और यहाँ बालाजी मंदिर मंडल द्वारा भी बाल संत का स्वागत किया गया है और इन्होंने यहाँ पर रोकड़े हनुमान जी से अरदास किए और यहाँ पर बालाजी का आशीर्वाद लिया है और यहाँ इस दौरान बाल संत के साथ में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे हैं जिन्होंने बालाजी का आशीर्वाद लिया है। और जानकारी देते हुए मंदिर मंडल के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर मंदिर मंडल द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं, उसी के तहत यहाँ पर बालाजी महाराज की कृपा पात्र बाल संत गुरुजी महाराज की इच्छा अनुसार यहाँ पर ये भेंट बालाजी मंदिर में पहुंचाई गई है और इन्होंने स्वयं यहाँ पर रोकड़े हनुमान जी को ये माला अर्पित की है और चांदी की माला चढ़ाकर और यहाँ पर बालाजी का आशीर्वाद लिया है और यहाँ इस दौरान ग्रामीण भी काफी संख्या में मौजूद रहे हैं। वहीं मार्ग में जगह जगह इनका स्वागत किया गया है, बाल संत का अवलेश्वर में जबरदस्त स्वागत किया गया है और यहाँ इस दौरान चांदी की माला अर्पित करने के दौरान अवलेश्वर के ग्रामीण भी मौजूद रहे हैं और रोकड़े हनुमान जी मंदिर समिति द्वारा बाल संत का स्वागत किया गया है। मनोज राठौड़, कांटल की आवाज, प्रतापगढ़।